नमस्कार, हम सब साथ यहाँ पर रशियन आर्मी में फंस चुके हैं और जो कि हमारे साथ के बंदे हैं वो सब मतलब फ्रंट लाइन पर डाल दिए गए हैं और हमें भी ये कह रहे हैं कि आपको भी आधा एक घंटे के अंदर यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा और फ्रंट लाइन के लिए। हमारी भारत सरकार से और इंडियन एम्बेसी से हाथ जोड़कर विनती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लिया जाए। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये ना हो कि ये हमारी आखिरी वीडियो हो, इस करके हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लिया जाए। धन्यवाद। अपने बेहतर भविष्य की खातर बहुत से नौजवान आज भी देशों की धरती पर अपना अच्छा भविष्य खोज रहे हैं। एजेंट के धोखे का शिकार हुआ गुरप्रीत सिंह आज रशिया में दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस घटना से उनके परिवार में परेशानी का आलम है। गुरप्रीत सिंह की माता व ग्रामवासियों ने भारत सरकार से मांग की है कि उनके बेटे को जल्द से जल्द वापस भारत लाया जाए। पेश है 47 न्यूज इंडिया की विशेष रिपोर्ट। पकड़ा ना जब जी, उन्होंने फिर वहां पर हमको एक बेलारूस पुलिस आ गई उधर, उन्होंने हमको पकड़ लिया और उन्होंने हमको अगले दिन वापस उधर छोड़ दी, क्या क्या बोलते इसको, रशिया आर्मी में जी। रशिया आर्मी में छोड़ने के बाद पहले दो दिन हमको रखा एक बंद कमरे में, तीसरे दिन उन्होंने हमको पेश किया ऑफिस में। ऑफिस में पेश करने के बाद ना वो हमसे ना अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, सुबह से लेकर काफी टाइम तक बात की उन्होंने, हमको समझ नहीं आई। फिर 3-4 बजे का समय हुआ, उन्होंने ना मतलब एक ट्रांसलेटर को फोन किया, वो हिंदी बोलता था, वो मतलब बिल्कुल प्योर हिंदी बोल रहा था। उसने बोला कि ये बोल रहे हैं कि आप रशिया आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, हमने साफ साफ मना कर दिया, हमने बोला हम रशिया आर्मी नहीं ज्वाइन करना चाहते, हम वापस जाना चाहते हैं। उन्होंने फिर बोला कि नहीं आप रशिया आर्मी ज्वाइन कर लो, बोल लालच वगैरह दे रहे थे, हमने बोला नहीं करनी ज्वाइन। फिर उन्होंने उसको बोला कि बोलो कि अगर तुमने मतलब आर्मी नहीं ज्वाइन की तेरे को 10 साल की सजा हो जाएगी, और हम लोगों ने इनके सामने हाथ भी बुरे गिर गिराए भी, लेकिन वो समझे नहीं। और फिर बोले नहीं क्योंकि 10 साल की सजा होगी, हम लोग घबरा गए, सारे घबरा गए और उन्होंने बोला कि हम सब ने डिसाइड किया कि 10 साल मरने की इच्छा है, मतलब 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, और हमारे पास फोन नहीं था, सोचा जब फोन होगा तो घर वालों से बात करके उनको बोलेंगे कि हमको छुटा लें। इन्होंने हमारे उसके बाद मतलब वहां से ये बात होने के बाद इन्होंने हमको शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड, मतलब कि जहां पर बोलते हैं उसको शायद मॉस्को शायद था, मतलब इतना नहीं कन्फर्म है कौन सी जगह थी, उन्होंने हमको उधर शिफ्ट कर दिया, 4-5 दिन उधर रखा, और बोलते थे आपको हेल्पर वगैरह की इधर मतलब जॉब वगैरह मिलेगी, आपको जंग वगैरह में नहीं भेजा जाएगा। हमने बोला ठीक है, उधर भी हमको फोन नहीं दिया इन्होंने 4-5 दिन जो या 6 दिन जितने भी रहे थे। उसके बाद इन्होंने हमें पता नहीं कौन सा कैंप है इनका ट्रेनिंग वाला, वहां पर इन्होंने हमको शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद दूसरी इन्होंने हमको दिया फोन हमारा, फिर हमने एक दिन बाद ली सिम लेने के बाद हमने अपने घर वालों से रब्ता कायम किया, बोला कि हम ऐसे ऐसे फंस गए हैं, हमारी मदद करो। फिर वो घर वाले सारे बागडोर करने लगे, सभी के मतलब कोशिश करने लगे कि कैसे छुड़ाया जाए, और 6-7 दिन ट्रेनिंग देने के बाद इन्होंने हमको आगे यूक्रेन में भेज दिया जहाँ पर जंग चल रही है। ठीक है, अभी आप लोग क्या चाहते हो भाई? हम लोग वापिस आना चाहते हैं क्योंकि इधर जंग चल रही है, बहुत बंदे मर रहे हैं, हमारे साथ जो बंदे आए थे दूसरे वो उनको तो आगे भेज दिया, वो किसी और कंट्री के थे, और अभी शायद मालूम नहीं आजकल कभी किसी ने भी हमको ये आगे भेज सकते हैं, क्योंकि बंदे आते हैं और लेकर चले जाते हैं, आते हैं लेकर चले जाते हैं, और हम इधर नहीं रहना चाहते। हम तो वही आपकी ओर से बेनती करते हैं अपने आप सबसे कि हमको जल्दी से जल्दी इधर से वापिस बुला लिया जाए, हम इधर नहीं रहना चाहते। अभी आप कितने लोग एक साथ इकट्ठे यहाँ पे? अभी हम 7 लोग हैं इधर। वो अभी पंजाब के हैं सभी लोग? पंजाब के हैं और अदर स्टेट के हैं? वो 2 बंदे रहने के थे और 5 ते उन्हां दी पुलिस ने ते उन्हां नूं फड़ लिया सीगा उत्थे, ते उन्हां नूं दुबारा फिर रशिया दे उत्थे आर्मी च भेज दिता गया सीगा उन्हीं बॉर्डर ते, ते उन्हें बॉर्डर वालिआं ने ते उन्हां नूं कहा सीगा कि तुसीं 10 साल की सज़ा जां भुगत लो जां 1 साल साडे नाल आर्मी च जॉइन कर लो, साडे नाल कोई हैल्प कर दो। तो उन्हें सोचा कि साडा इस 1 साल की आर्मी ज्वाइन कर लेंगे इस भला साडा, तो करके उन्हें 1 साल की आर्मी ज्वाइन की सी। तो बेलारूस तो
ਬੈਲਾਰੂਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨੀ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6-7 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਵਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਰਸ਼ੀਆ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿਊ ਈਅਰ 'ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਿੱਪ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਵੀਜ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਅਵੈਲਬਲ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ 'ਚ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਬੈਲਾਰੂਸ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਲਾਰੂਸ ਚਲ ਗਏ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਾਰੂਸ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਮਾਰਿਆ ਬਾਰਡਰ ਆਰਮੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਭਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਹੋਏ ਅਨਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਰਸ਼ੀਆ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ